हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू मेरी टीटर। अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो हमारा चैनल बेसिकली स्टूडेंट वीजा सर्विसेज को लेकर है, जिस पर आज दिन उसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे कॉलिंग नंबर, कॉलिंग टाइमिंग के साथ है, प्लीज़ उसके बीच में कॉल कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी मैंशन है, वहाँ पर रिप्लाई लेट है क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमें आते हैं तो बहुत सारे मिस हो जाते हैं। अगर आप बेयर कर सकते हो लेट रिप्लाई, एक दिन से ऊपर लेट रहे रिप्लाई, तो फिर वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। बाकी ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, हमारा एड्रेस मेंशन है, हमारी जो ऑफिस की टाइमिंग है 10 से 4 है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी मुझे मिलने आए तो प्लीज़ एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके फिर आइएगा, ताकि आपको मैं मिलने के लिए अवेलेबल रहूँ। बहुत बार होता है कि आप लोग आते हो और मैं नहीं होता हूँ, और आपको ऐसे ही मिलना पड़ता है। एंड ये अपडेट वीडियो एक कॉलेज के बारे में है, जैसे नाम आपने देख ही लिया होगा, वाइट हिल बिजनेस स्कूल है, ये मॉरिशस में है। ये चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ समझने की कोशिश करेगा। ये चीज़ हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, वैसे हम मॉरिशस में डील पहले नहीं करते थे, अब से हम डील इसलिए कर रहे हैं। रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों के सिंगापुर में रिजेक्शन आ रही है, थोड़े से रूल्स टफ हो गए हैं, एंड रिजेक्शन आने के कारण और यू नो और सिंगापुर में मोस्टली जो हमारे बच्चे जाते थे, जहाँ मोस्टली लोग जो जाना चाहते थे, वो इसलिए होते थे कि जिनकी पहले ही रिजेक्शन आई होती हैं, गैप बहुत ज़्यादा होता है, एंड यू नो अपनी फाइल आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको समझ, आप यानी कि सारे एजेंट्स की मैं वीज़ा लगवा दूंगा, फेक डिग्रीज से सब कुछ ट्राई कर चुके हो, और आपको पता है कि एक जेन्युइन एजुकेशन ही मुझे चाहिए अपना यू नो बेस इम्प्रूव करके आगे पढ़ने जाने के लिए। द होल पर्पज ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो, दिस कॉलेज विद यू इज़ सेम एज यू शेयर विद जो सिंगापुर कॉलेजेस हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट है, और आप सभी लोग उसी नज़र से इस चीज़ को देखोगे। इसीलिए मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जाते हैं पाथवे प्रोग्राम के लिए, और जिनका पहले से फाइल वीक होती है, और पहले आप सब तामझाम ट्राई कर चुके हो और आपका वीज़ा नहीं लगा, यू नो आपको पता लग गया, आपकी रिजेक्शन आ चुकी है, 4-5 बार आ चुकी है, और आपको समझ आ चुकी है कि हाँ यार भैया मेरी प्रोफाइल में कमी है, कोई कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम होते हैं, तो ये चीज़ हम सिंगापुर में प्रमोट करते हैं। अगर आप और सिंगापुर में करंटली ये चीज़ इससे शेयर करेंगे, हमें बहुत सारी फाइल्स बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनकी सिंगापुर में बहुत रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन आ चुकी है, 2-2, 3-3 बार ट्राई कर लिया, अपील भी डाल ली, फिर भी रिजेक्शन हो गया, अब क्या करें, यू नो अब क्या करने चलें। तो उन बच्चों के लिए ये वाइट हिल बिजनेस स्कूल बेसिकली डिप्लोमा प्रोग्राम है, यहाँ पर लेवल 4 के इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के। और एक प्रोग्राम जिसको हम स्पेसिफिकली प्रमोट कर रहा हूँ, जो मैं सिंगापुर में भी करता था, वो सिटीज लेवल अवार्ड प्रोग्राम है लेवल 4 का, ठीक है। फीस उसकी अराउंड 3500 US डॉलर है, जो हार्डली मान ली आज के डॉलर रेट के अकॉर्डिंग 2,60,000 भी नहीं हो रही। सेम कोर्स हम अगर हम जो सिंगापुर में प्रमोट करते तो उसकी फीस 3,90,000 के आसपास है करंट डॉलर रेट के अकॉर्डिंग। तो उसके काफ़ी कम प्राइस में आपको वो कोर्स जो आप सिंगापुर में करके, जिससे आपकी फाइल इंप्रूव होकर आप आगे जा सकते हैं। और सीटीएच अवार्ड प्रोग्राम वो हैं जिन शायद जो लोग सिंगापुर मारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करते रहते हैं पास में, उनको शायद पता होगा, बट ये बेसिकली अगर आपको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, अवार्ड एक सर्टिफिकेशन है काइंड ऑफ, जिसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड एंड और भी दुबई की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, मैं नीचे लिंक ड्रॉप कर दूँगा, आप खुद चेक कर लीजिए, वो सारे इनके साथ लिंक है। और उन्हीं सब लिंक्स में अगर आप लिंक में चेक करोगे, हर एक कॉलेज ने अपने अपने बारे में मेंशन किया हुआ है कि हाँ जी अगर लेवल 4 का बच्चा आएगा हम उसको CS कोर्स में एडमिशन देंगे, अगर लेवल 4 का बच्चा आएगा हम सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई डिप्लोमा प्रोग्राम में आपको एडमिशन देंगे, जिसके जो पर्पस है हमारा बेसिकली जाने का, अपनी फाइल इंप्रूव करने का, जिसके लिए हम सिंगापुर प्रमोट कर रहे थे। वैसे बहुत अच्छी कंट्री है, सेम मॉरिशस अपने लेवल पर बहुत अच्छी कंट्री है, बट वो चीज़ें हम लोग समझते नहीं हैं, हम नॉर्थ इंडियंस, हमको तो सिर्फ जी बड़ी कंट्रियाँ, पैसे कितने बनेंगे इस चीज़ से मतलब है, बट ये चीज़ स्पेसिफिकली शेयर करो जिनके पहले गैप है और आप सब ट्राई कर चुके हो, आपको पता अकल आ गई है कि हाँ भैया नहीं होगा, 2 नंबर में चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ बातें होती हैं। तो उन लोगों के लिए है कि अगर और उसके बाद आपकी ट्राई करने के बाद भी सिंगापुर भी रिजेक्शन आ चुकी है और आपकी फाइल, आपकी उम्मीद थोड़ी कम हो चुकी, तो आप इस प्रोग्राम में भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फीस 35 के अराउंड है, नीचे मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा। वीज़ा सक्सेस इशू भी काफ़ी अच्छी चल रही है। रीज़न आप जाएंगे, अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करेंगे, फर्दर नीचे CTH अवार्ड प्रोग्राम का भी लिंक पड़ा हुआ है, आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। मगर आ लीजिए, अगर आप यहाँ से भी कहीं किसी और कंट्री में जाना चाहते हो,
चाहे वो यूएस हो चाहे वो कनाडा हो, इफ़ यू आर फिलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स, मान लीजिए अगर आपने वहाँ पर जाके 60% तो रख ही रखे मार्क्स, और जो भी कंट्री आप जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, कनाडा के अकॉर्डिंग आपकी आई स्कोर है ना, अगर आप मीट कर रहे हो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, ठीक है। बशर्त है पाथवे प्रोग्राम्स ये जो हम प्रोफाइल इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आप जिस भी कंट्री में चाहो जा सकते हो, बशर्त है सिर्फ आपने रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, चाहे वो मान लीजिए 60% से आपकी परसेंटेज ड्रॉप ना हो, और जो भी कंट्री में हम जाना चाहते हो जो भी कोर्स उसके अकॉर्डिंग आपकी आई एस की रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो 6 ओवरऑल होना चाहिए, और यूएस के लिए भी 6 ओवरऑल होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए जाना चाहते हो आप क्या कहते हैं कनाडा में, तो 6 ईच हो, कोशिश कर ली तो एसजीएस के अंदर फाइलिंग हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, 6 ओवरऑल पर भी फाइल लग जाएगी, बट 6 अगर हो तो उसमें आपकी ईजीली लग जाएगी मान लीजिए। और सीटीएच अवार्ड प्रोग्राम्स मेरे अभी अभी दिमाग में आया कि वो स्विट्जरलैंड में भी हैं, अगर कुछ बच्चे यूरोप माइग्रेट होना चाहते हैं, और आप ट्राई कर चुके, बहुत सारे लोग यूरोप को प्रमोट करते हैं बट जेन्युइनली वीज़ा सीज़ा नहीं आते है ना, लोगों की फीस फंस जाती है, बहुत कम वीज़ा सक्सेस रेशियो रहती है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा एक बेस बन जाएगा फर्दर पढ़ने के लिए। प्लीज़ अगेन बिफोर कमेंटिंग, बिफोर थिंकिंग कि ये क्या प्रमोट हो रहा है, मरीशस थोड़ी जाएंगे हम, तो समझने की कोशिश कीजिए क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्यों मैं आपकी इस चीज़ की आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और क्या आपके जाने का फ़ायदा होगा, ठीक है। समझेगा पाथवे प्रोग्राम की तरह है, फाइल आप इम्प्रूव करते हो और फर्दर अपनी जो ड्रीम कंट्री है वहाँ पर पढ़ने जा सकते हो। और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पहले ही काफ़ी सारे कंसल्टेंट को पैसे दे चुके हैं, ख़राब कर लिए, फेक डिग्रियाँ बना के लगा लिए, सारा कुछ कर को लिया, अब कुछ नहीं बन रहा, स्पेसिफिकली आप सब लोगों के लिए है। और बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, हमें कॉन्टैक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो ठीक लगी तो लाइक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्पेसिफिकली प्लीज सिंगापुर रिजेक्टेड स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, अवार्ड प्रोग्राम्स हैं, आपको पता ही होगा सिंगापुर में वही होते हैं जिसके कारण आप आगे जाते हो, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, वही सर्टिफिकेशन आपको मिल रही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।